ऊधम सिंह नगर के नोसर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तालाब में 5 बच्चे डूब गए, जिसमें 3 बच्चों को बचा लिया गया, वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे SDM ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शाम को कुछ बच्चे नौसर में सड़क किनारे गड्ढे में नहाने गए थे, जैसा बताया गया नहाने गए थे। वहाँ डूबने से 2 बच्चे, वंश मसीह उम्र लगभग 12 वर्ष और कुमारी पूजा मसीह उम्र लगभग 10 वर्ष, उनकी मौत हो गई। और एक बच्चा सैल मसीह जो लगभग 9 साल का है, वो बीमार डूबने से उसकी हालत बिगड़ गई थी, तो यहाँ अस्पताल में एडमिट कराया गया था उसको, उसका भी इलाज चल रहा था। इस तरह की घटना को रोकने के लिए बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है, जिससे इस तरह की घटना को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।